Dear students, welcome in the lecture on metal carbonyls. And in this lecture, we will discuss about the vibrational spectra. And uh, in this, uh, we will uh, discuss about the general introduction and position of peaks in vibrational spectra of metal carbonyls. So, what is vibrational spectra? We will discuss about the IR infrared spectroscopy of metal carbonyls. And in the previous lectures, we had discussed about various aspects of metal carbonyls that are the general. Introduction, their methods of preparation, their properties, 18 electron rule, then EN rule and bonding in metal carbonyls. So, in the continuation uh, of these lectures, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तो बच्चों आपका स्वागत है मेटल काबुनल के इस लेक्चर में जहां पर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और जिसे हम आई आर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं उसके बारे में हम उसके इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे की कैसे जो है जो पोजीशन है पीक की वो इसके आई आर स्पेक्ट्रा में चेंज होती है और क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसकी पीक की पोजीशन को अफेक्ट करते हैं So if you see the infrared spectroscopy or vibrational spectroscopy, then you will find that it is helpful in the structure elucidation or structure determination of metal carbonyls that is based on MC and CO bond lens. Okay, ये जो infrared spectroscopy है आपने पहले भी पढ़ी होगी और इसमें के according हम क्या कर सकते हैं बच्चों हम ये पता लगा सकते हैं कि metal carbonyl का स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस पर बेस्ड होगा जो एम सी और सीओ बॉन्ड होंगे जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि तीन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं और उसमें जो कॉमन बॉन्ड्स हैं वो एमसी एंड सीओ बॉन्ड ये सारे कार्बोनिल्स में मिलते हैं और जो तीसरे तरीके के बॉन्ड्स है वो एमएम बॉन्ड जो उन मेटल कार्बोनिल में मिलेंगे जहां पर दो न्यूक्लियस होंगे ठीक है तो ये जो दो बॉन्ड है वो सब जगह मिलेंगे सारे मेटल कार्बोनिल में मिलेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं ओके अब अगेन एक बार रिवाइज कर रहे हैं अगर हम बॉन्डिंग देखें मेटल कार्बोनिल में तो किस तरीके से मेटल कार्बोनिल जुड़े हुए होते दो तरीके की बॉन्डिंग होती है देखिए एक बॉन्डिंग जिसमें ये जो कार्बोनिल है इसका कार्बोनिल का जो एच ओ एम ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो कि हर लिगेंड करता है इस तरीके से आप देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दूसरा बॉन्ड क्या बनता है बच्चों यहाँ पर ये जो एम है ये एम के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है तो ये इस कार्बोनिल के एल यू एम ओ यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो कि खाली है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एम डोनेट करेगा तो एम जब डोनेट करेगा तो ये क्या होगा एक पाई बॉन्ड होगा और ये जो पाई बॉन्ड होगा ये पाई पाईपैक बॉन्डिंग की वजह से इसमें एक पाई बॉन्डिंग भी आएगी एम और सी के बीच में तो एम और सी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आया पहले कार्बोनिल ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए देन आपने देखा कि ये जो मेटल है ये इस कार्बोनिल के एमटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को दैट इज एलियो उसको भी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस तरीके से कार्बन और एम के बीच में जो मेटल का जो बॉन्ड करेक्टर होगा वो डबल बॉन्ड होगा तो अगर हम इसको समझना चाहे मैंने आपसे कहा कि सीओ है कार्बोनिल कार्बोनिल क्या कर रहा है बच्चों देखिए मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इज इट फॉर्मिंग दी सिग्मा बॉन्ड और अगर ये मेटल क्या कर रहा है बैक डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो ये क्या बना रहा है पाई बॉन्ड इस तरीके से आप देखेंगे की एक, एक हमारे पास फ्री कार्बोनिल थी जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था और इसने मेटल के साथ क्या किया बॉन्ड बनाया तो मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है आपने देखा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरीके से बॉन्डिंग होगी इस तरीके से देखिए कि M और सी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा डबल बॉन्ड होगा तो आप ये देख सकते हैं देखिए बच्चों यहां पर आप देखिए ये आप देखिए जो कि पहले ट्रिपल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में देख रहे हैं आप हाँ? तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई ओके okay? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई decrease हो गई किसकी सीओ बॉन्ड की और अब आप यहां पर देखिए आप दूसरी जगह पर देखिए जहां पर आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड नहीं था ये बॉन्ड बन गया है और कैसा बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड तो आप देख सकते हैं कि जो एम सी बॉन्ड था उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई इनक्रीज हो गई तो अब आप देखिए मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग से जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की ये तो कम हो गई और एम और सी के बीच में जो बॉन्ड नहीं था वो क्या हो गया यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एम सी बॉन्ड है और जो सी बॉन्ड है इन बॉन्ड्स के आधार पर हम इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंफ्रा रेड और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ये आप देखिए कि क्या फर्क पड़ता है जब बॉन्ड बन जाते हैं तो आप देखिए बॉन्ड टाइप एमसी बॉन्ड उंट में क्या होगा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आई थी देखिए यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ गई इसका मतलब है एम और सी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ रही है तो आप देखिए जो जो सी और ओ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है एम सी की एम सी की बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज हो गई और एम और सी के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ

इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथन होगा और अगर सी और ओ के बीच का बॉन्ड डिक्रीज हो गया तो भी क्या होगा एमसी बॉन्ड इंक्रीज होगा ये दोनों बातें एक साथ होंगी आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथन हुआ ये ये लेंथ कम हुई तो भी ये स्ट्रेंथन होगा और अगर ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो भी ये स्ट्रेंथन होगा तो दोनों ही केस में क्या होगा ये बॉन्ड जो है एम और सी के बीच का क्या होगा स्ट्रेंथन होगा ओके okay? तो अब क्या होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से एम सी बॉन्ड स्ट्रेंथन हो गया तो सी बॉन्ड अगर इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर होगी तो क्या होगा वो हायर वेव नंबर पर एब्जॉर्ब करेगा ओके okay? ये तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफाइंड है कि जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी जिस वेवलेंथ पे उसे एब्जॉर्ब करना है वो वेवलेंथ यानी वेव नंबर वो भी क्या होगा एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल इंक्रीज तो एमसी की जो बॉन्ड जो एनर्जी है ना देखिए स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये हायर एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा जबकि जो सीओ होगी सीओ की स्ट्रेंथ क्या हो रही है देखिए सीओ की बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेंथ क्या होगी डिक्रीज होगी जब स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है तो एमसीड फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा उसका इफेक्ट क्या आएगा जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि ये मेटल कैसा है इस मेटल के साथ दूसरे लिगेंड कैसे अटैच है जिसको हम देखेंगे किस तरीके से अफेक्ट करता है ओके अब आप देखिए किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीन मेन जो जो पार्ट है वो है पोजिशन ऑफ स्पेक्ट्रा नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक्स तो यही तीन बातें आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इंपॉर्टेंट है पोजिशन नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक्स तो अगर हम पोजिशन ऑफ पीक्स को देखेंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगी अब हम किसके पोजीशन को देखना चाह रहे हैं एक्चुअली हम इस इस कार्बोनिल के पोजीशन को देखना चाह रहे हैं क्योंकि हम मेटल कार्बोनिल के स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो हमने ये कहा कि जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा ये वीक हो जाएगा ओके okay? तो ये वीक हो जाएगा तो इसकी पोजीशन जो है वो उसको कौन अफेक्ट कर रहा है उसको अफेक्ट कर रहा है कि बॉन्डिंग मोड्स कौन से है जो सीओ है वो टर्मिनल तरीके से जुड़ा है कि ब्रिजिंग तरीके से जुड़ा हुआ है तो पोजीशन ऑफ पीक्स को कौन इफेक्ट करेगा मोड ऑफ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कार्बोनिल विद मेटल कैसे वो जुड़ा हुआ और नंबर ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे तो वो डिपेंड करती है जो नंबर ऑफ पीक्स है वो डिपेंड करती है कि सिमिट्री कैसी है मॉलिक्यूल कैसा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ कार्बोनिली लिगेंड कितने हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे तीन मेन जो थिंग्स हैं आई आर रिस्पेक्टो मेटल कार्बोनिल की एक है पोजिशन ऑफ पीक्स नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक्स पोजिशन ऑफ पीक्स को जो इफेक्ट कर रहे हैं वो है कि किस तरीके से मेटल जो टर्मिनल जो कार्बोनिल है वो जुड़ा हुआ है दूसरा आप देखेंगे कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये भी अफेक्ट करने वाली है पोजीशन को और नंबर को कौन इफेक्ट करेगा जितने कार्बोनिल एलिगेंट्स होंगे उतना सॉरी नंबर को कौन इफेक्ट करेगा सिमिट्री ऑफ मॉलिक्यूल और, और इंटेंसिटी को कौन इफेक्ट करेगा कार्बोनिल का नंबर जितने अधिक कार्बोनिल्स होंगे सेम टाइप के उतनी अधिक क्या होगी इंटेंसिटी होगी ओके तो इस लेक्चर में हम स्पेशली जो जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे पोजीशन को इफेक्ट करता है जो जो उसकी मोड ऑफ ज्वाइनिंग है वो पोजीशन को कैसे अफेक्ट करती है या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पोजीशन को अफेक्ट करती है यहाँ पर हम देखेंगे अब की पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोन के बैंड्स को या पीक्स को आ, कौन इफेक्ट करता है तो पोजीशन ऑफ मेटल या के बैंड्स को जो इफेक्ट करता है पहला फैक्टर हमने दिया है वो है बॉन्डिंग मोड कैसा बॉन्डिंग मोड है तो हमने आपसे कहा था कि जो मोड है वो टर्मिनल हो सकता है या ब्रिजिंग हो सकता है तो आप देखिए जब फ्री कार्बोनल होती है तो ये टू वन थ्री फोर सेंटीमीटर इनवर्स पर ये एब्जॉर्ब करती है और जब ये टर्मिनल फॉर्म में बाइंड होगी टर्मिनल का मतलब एक मेटल सेंटर से कार्बोन जुड़ी हुई है तो ये टर्मिनल फॉर्म है और इस टर्मिनल फॉर्म में आप देखेंगे कि जो जो सी ओ की जो स्ट्रेचिंग है देखिए वो कम हो गई टू टू वन थ्री फोर से टू वन टू जीरो से एटीन फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्ब करती है क्यों करती है क्योंकि जो फ्री कार्बोनिल होती है वहां पर ट्रिपल वॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है और जैसे ये मेटल से बाइंड होता है तो ये जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि सी और एम की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ेगी अब देखिए यहां पर म्यूटू टाइप की ब्रिजिंग है म्यूटू ब्रिजिंग क्या है दो मेटल सेंटर कार्बोनिल के साथ देखिए ब्रिजिंग में तो कार्बोनल ब्रिज है दो मेटल सेंटर के साथ तो आप देखिए कि ये जो दो मेटल सेंटर जुड़े होने की वजह से जो कार्बन और मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग है और जो कार्बन और मेटल के बीच की बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी तो जो सी और ओ के बीच की बॉन्डिंग है वो और वीक हो जाएगी और ये और लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा और अगर म्यूथरी ब्रिजिंग हो गई जहां पर आप देख रहे हैं तीन मेटल सेंटर है जो कि इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बोनिल जो है इन तीन सेंटर के साथ है केस में आप देखिए जो कार्बन की जो जो मल्टीपल बॉन्ड कलेक्ट्रिसिटी है और कम हो गई इसकी वजह से ये और लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये है कि जैसे जैसे कार्बन मेटल सेंटर के साथ अटैच होगा तो ये जो सीओ की जो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा वीक हो जाएगा और अगर दो मेटल सेंटर होंगे तो दो बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के मेटल के साथ तो ये स्ट्रेंथन होंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा वीक हो हो जाएगा तीन अगर मेटल सेंटर जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्ट्रिस्टी है जबकि यहां पर डबल बॉन्ड है तो ये जो CO की स्ट्रेचिंग है ये और कम हो जाएगी तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर फ्री कार्बोनिल है तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा अगर वो टर्मिनल मोड में अटैच्ड है तो वो उससे लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा अगर ब्रिजिंग है तो और लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा जो हमें कुछ एग्जाम्पल से भी हम उनको दे देख सकते हैं तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों देखिए एफ ई टू सी ओ नाइन अगर हम एफ ई टू ओ नाइन को देखेंगे तो ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग बैंड दिखाता है एक तो ये दिखाता है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स पे और एक जो पीक दिखाएगा वो 1828 पर दिखाएगा और 1828 पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 1828 जो है वो इस रेंज में एक तो आपको 2000 के आसपास मिल रही है तो इस रेंज में दूसरी आपको इस रेंज में मिल रही है जो कि 1850 से 720 के बीच में है मतलब कि एफई को हम कहेंगे कि उसमें टर्मिनल कार्बोनिल भी है और ब्रिजिंग कार्बोनिल भी है क्योंकि उसमें इस रेंज में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस रेंज में भी एप्ज ऑप्शन हो रहा है अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें सीओ टू सीओ एट तो इस केस में क्या होगा जो जो भी एक पीक दिखेगा और, पर भी एक पीक दिखेगा। और ये दो का मतलब कार्बोनल होते हैं लेकिन इसका जो आई होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये क्या करता है कि ब्रिज्ड और नॉन ब्रिज स्ट्रक्चर के बीच में इक्विटी शो करता है जिसे हम टेम्परेचर को चेंज करके पता कर सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाएंगे तो एक बैंड की इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी मतलब है कि इक्विली में ये दोनों फॉर्म होती हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सारे के सारे क्या होते हैं आ, टर्मिनल होते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर कुछ ब्रिजिंग और कुछ टर्मिनल होते हैं जो स्ट्रक्चर हम पहले ही डिस्कस कर चुके है। तो कर है, हैं तो उस स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर रही है ये फ्रीक्वेंसी फिर देखिए एम एन टू सीओ टेन एम एन टू सीओ टेन में केवल एक ही रेंज पर पीक मिलेगी जो कि 1850 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होगी ये रेंज किसकी है देखिए ये रेंज है ब्रिजिंग मोड की सॉरी ये रेंज किसकी होगी टर्मिनल की ये आप देख सकते हैं 1850 से 1500 पंद्रह के रीजन में केवल एक ही इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिल रहा है सॉरी इस पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो टू थाउजेंड टेन वर्ष के आसपास मिलता है क्योंकि 1850 और 1500 की रेंज जो है वो ब्रिज्ड रीजन की है इसका मतलब है कि जो सीओ एम एन टू सीओ टेन है उसमें कोई भी ब्रिजिंग सीओ ग्रुप नहीं है मतलब उस रेंज में अगर बैंड जो जो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि उस एम एन टू सीओ टेन में कोई भी ब्रिजिंग सीओ नहीं है सारे सीओ कैसे हैं टर्मिनल जुड़े हुए हैं तो हम देखिए आसानी से स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें 2000 की रेंज में मिल रहा है मतलब टर्मिनल है अगर 1800 की रेंज में मिल रहा है मतलब उसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल भी प्रेजेंट है और यहां पर एम एन के, के केस में इस रेंज में कोई भी पीक हमें नहीं मिल रही है मतलब है कि ये जो है वो केवल इसमें क्या है टर्मिनल कार्बोनिल्स आर प्रेजेंट दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है इस पोजीशन ऑफ कार्बोनिल बैंड को वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा ये पोजीशन शिफ्ट हो सकती है तो अगर इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस कार्बोनिल के एल में तो क्या होगी बैक बॉन्डिंग मजबूत होगी देखिए बैक बॉन्डिंग होगी और अगर बैक बॉन्डिंग होगी बच्चों देखिए जब इस मेटल के पास इलेक्ट्रो स्टोन्स जो है वो अधिक होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है इस तरीके से होगी कि ये देखिए आप यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और यहां पर भी क्या होगा डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और ये बॉन्ड वीक हो गया इस तरीके से आप देखेंगे जैसे जैसे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी सीओ जो है वो वीक होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो सीओ की ओर होगी और ये जितना वीक होगा उतनी लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो मेटल सेंटर है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है और बहुत आसान है इसे बता पाना देखिए फ्री कार्बोनिल है तो वो टू वन फोर थ्री पर एब्जॉर्ब कर रहा है अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है मतलब एजी के ऊपर प्लस चार्ज है क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है तो इसके ऊपर प्लस, तो प्लस चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया अब यहां पर देखिए कोई चार्ज नहीं है तो निकिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप देखेंगे कि ये जो है कोबाल्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है तो जैसे जैसे अब देखिए टू माइनस चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ गई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी मेटल सेंटर पर आप देखेंगे कि मेटल सेंटर पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बच्चों मेटल सेंटर पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये और शिफ्ट होंगे सो दैट इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और मल्टीप्लिसिटी कम होने का मतलब है कि ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया मतलब ये लोअर क्वेंसी पर ही एब्जॉर्ब कर जाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज डिक्रीज हो 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 गई तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां आप देख देख रहे रहे हैं हैं कि कि से क्या रही रही है हो रही है ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एम इसके ऊपर प्लस चार्ज है क्रोमियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है वेनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीकेंड होगा और वीकेंड होने से इट विल एब्जॉर्ब एट लोअर फ्रिक्वेंसी ओके तो बहुत इजी है बच्चों इसको याद करना हमें कोई बहुत कठिन इसमें नहीं करना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल के ऊपर मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है उसमें मेटल सेंटर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है अधिक उस पर पाई बैक बॉन्डिंग अधिक होगी और जिसमें पाई पाइप बॉन्डिंग अधिक होगी वहां पर सीओ के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा इसलिए जो म्यू है वो भी क्या होगी डिक्रीज होगी तो यहां पर हमें यह नहीं देखना है कि ये मेटल सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें कुछ नहीं देखना

कोवॉल्ट के ऊपर कैसा है माइनस चार्ज और आयरन के ऊपर कैसा है माइनस टू तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे अधिक किस पे है आयरन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है तो ये क्या बना रहा है कार्बोनिल बना रहा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे हाई है तो ये क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करेगा और बैक बॉन्डिंग करने से क्या करेगा इस बॉन्ड को क्या करेगा वीक करेगा ओके okay? तो वीक जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी उतना जो है सीओ की स्ट्रेचिंग क्या होगी वीक होगी इसलिए आप टॉप टू बॉटम जब जाएंगे इन कॉम्प्लेक्सेस में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कार्बोनिल की सबसे कम होगी क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग सबसे अधिक होगी तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा सी और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वो करेगा क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल सेंटर पर बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखेंगे बैक बॉन्डिंग विल इंक्रीज एंड सीओ की जो स्ट्रेचिंग है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी Now one more factor is there that is ligand. एक और फैक्टर है बच्चों लिगेंड है जो कि अफेक्ट करता है सीओ की स्ट्रेचिंग को क्योंकि लिगेंड का डोनेशन इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन की डोनर टेंडेंसी जो है वो अफेक्ट करती है जितना अधिक अगर हम देखेंगे कि कार्बोनिल के अलावा अगर मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई और लिगेंड भी है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनर पावर पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल सेंटर पर मान लीजिए कि एक लिगेंड है ये मेटल है और ये कार्बोनिल है अब ये लिगेंड पर कैसे डिपेंड करेगा बच्चों इस लिगेंड पर ऐसे डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे इस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करेगा और ये बैक बॉन्डिंग की वजह से दिस स्ट्रेचिंग विल डिक्रीज थी? और अगर ये जो एल है ये एम के साथ जुड़ा हुआ है इसकी डोनर टेंडेंसी कम है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है वह इस तरीके से शिफ्ट करेंगे बच्चों तो ये जो आप देखेंगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट विल इंक्रीज अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी और ये जो आ, अगर जो लिगेंड है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में अगर ट्रांस लिगेंड होंगे तो इफेक्ट क्या होगा लार्जर होगा इसीलिए हमने यहां पर इसी तरीके का एग्जाम्पल लिया है जहां पर ट्रांसपोजिशन पर कार्बन प्रेजेंट है तो आप देखेंगे कि ये डिपेंड करती है ये अफेक्ट करती है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मेटल सेंटर पर क्या होगी वो डिपेंड करती है लिगेंड के डोनेशन इफेक्ट के ऊपर अब आप ये देखिए एग्जाम्पल देखिए ये देखिए मेटल पर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन इजीली बैक डोनेट करेगा और ट्रांस पर होगा तो और अच्छी तरीके से डोनेट करेगा अब आप देखिए यहाँ लिगेंड्स जो अटैच्ड है मेटल के साथ एमओ का कॉम्प्लेक्स है एक लिगेंड तो जो है टाइप उसका कार्बोनिल है दूसरे टाइप के लिगेंड्स हैं वहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है पी मैं एफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और पायरिडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ओके तो अब देखिए आप पायरिडीन के एग्जाम्पल को लेते हैं हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं इस एग्जाम्पल में देखिए कि ओ है ओके सी ओ थ्री है और यहां पर क्या है पायरिडीन है तीन ये पायरिडीन क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उन्होंने क्या किया देखिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी और ये डोनेशन से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था ये बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को और इस तरीके से क्या करेगा इसके ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर को डिक्रीज करके डबल बॉन्ड करेक्टर में ले आएगा इसलिए इट विल एब्जॉर्ब एट लोअर फ्रिक्वेंसी क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो आप देखिए पायरेडीन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी कार्बोनिल की, की लोअर फ्रीक्वेंसी देखिए डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था तो उसके इसमें क्या होगा कि ये एल है ये एम है और ये देखिए सीओ है ओके ये इस तरीके से जुड़े थे बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एल है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे और ये आप देखिए इस तरीके से

तो के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा इसलिए इट लोअर फ्रीक्वेंसी तो इस तरीके जो की अठारह सो अठासी पर शिफ्ट हो गई तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा बच्चों इसको मैं एक बार रिवाइज करती हूँ आपके साथ की बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है और ये हम हमें बताती है स्ट्रक्चर के बारे में क्योंकि दो तरीके के बॉन्ड हमने देखे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस डबल बॉन्ड के बनने से क्या होता है एम और सी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो तो स्ट्रांग हो जाता है और जो सी और एम के बीच का बॉन्ड है वो वीकेंड हो जाता है इसी को हम यूज uh, करते हुए चलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में और uh, आपसे मैंने कहा कि कोई भी स्पेक्ट्रा होता है वहां पर तीन मेन पॉइंट होंगे पोजीशन ऑफ पीक नंबर ऑफ पीक एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पीक कैसे अफेक्ट होती है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पोजीशन ऑफ पीक को इफेक्ट करते हैं ओके okay? तो पहला फैक्टर हमने देखा कि जो बॉन्डिंग मोड है बॉन्डिंग मोड क्या होगा टर्मिनल है या ब्रीजिंग है तो अगर वो टर्मिनल मोड है तो ये हायर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होगा अगर ब्रीजिंग मोड है तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होगा तो यहां पर हमने देखा कि जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल सेंटर के ऊपर उतना कम सीओ स्ट्रेचिंग होगी और उसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपने देखा कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये कम हो जाएगी क्योंकि डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा आ, यहां पर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी ओके तो ये एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जो सीओ स्ट्रेचिंग स्ट्रैचिंग फ्रिक्वेंसी वो कम होगी दूसरा जो इफेक्ट पड़ा आपने लिगेंड डोनेशन इफेक्ट पड़ा कि जैसे जैसे लिगेंड डोनेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे सीओ फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की अधिक होती है सो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल सेंटर एंड दस ये जो इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी ओके okay. तो ये सॉरी ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी रखता है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी अधिक होगी पाई बैक बॉन्डिंग भी उतनी अधिक हो अधिक होगी होगी जितनी पाई बैक बॉन्डिंग उतना ही कम क्या होगी स्ट्रेचिंग होगी ओके okay. अब एक और मैं आपको आ, एक और फैक्टर बता रही हूँ दैट इज ज्योमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल तो मेटल कार्बोनिल की ज्योमेट्री भी जो है अफेक्ट करती है पोजिशन ऑफ कार्बोनिल बैंड को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है और जो कॉम्प्लेक्स है और अगर कार्बोनिल हो सकता है इस तरीके से देखें एक पेंटा कार्बोनिल होगा तो टेट्रा कार्बोनिल से हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा और अगर एक ऑक्टा हिटल होगा तो वो एक पेंटा कार्बोनिल से हायर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेटल तो मेटल जो है वो क्या कर रहा है कि कार्बोनिल का नंबर इसमें इंक्रीज होता जा रहा है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी बढ़ेगा यहां पर क्या होगा कि मेटल को छह लिगेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं छह कार्बोनिल्स को यहां पर मेटल को पांच कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन अधिक होगा देखिए और यहां पर केवल चार कार्बोनिल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी डोनेशन की होगी वो सबसे अधिक होगी केवल चार लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होना है यहाँ पर पांच लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होना है तो जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ डोनेट हो रही थी वो उससे कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पांच लिगेंड्स को डोनेट करना पड़ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे छह सीओ लिगेंड्स को इसको मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं तो पर कार्बोनिल जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये जो डोनेशन है मेटल का कार्बोनिल को ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है तो ये डोनेशन यहां कम है यहां ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन थोड़ा अधिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और अधिक है जितना अधिक डोनेशन होगा आप जानते हैं उतनी अधिक पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही वीक जो है वो सीओ स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा कि सीओ स्ट्रेचिंग विल डिक्रीज आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि चार कार्बोनिल हैं चार के बीच में ही इलेक्ट्रॉन देने हैं मेटल

टल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो अपने ऊपर चार्ज हो या फिर जो आप देख रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री हो तो अगर चार लिगेंड जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर रहेगी पर कार्बोन लिगेंड, अगर छह लिगेंड जुड़े होंगे तो पर कार्बोनल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी इसलिए आप देख रहे हैं बैक बॉन्डिंग विल डिक्रीज एंड स्ट्रेचिंग विल इंक्रीज ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स एंड स्पेशली इन दिस लेक् पोजिशन ऑफ कार्बोनिल ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो की पोजिशन ऑफ कार्बोनिल को इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले है हम डिस्कस करने वाले है की कैसे जो जो जोमेट्री है वो अफेक्ट करती है नंबर ऑफ पीक्स को स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑक्टाहीट्रल कार्बोनिल complexes okay so uh, this is all about the vibrational spectroscopy uh, in which we had studied the how the position of bands uh, of carbonyl affected by different factors so thank you very much